हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ट्विन ब्रेड्स की वीडियो शेयर कर रही हूँ। जशन की वीडियो आज मैं शेयर करूँगी। मैंने बनाई हैं जशन की ट्विन ब्रेड्स, तो गाइस आज मैं इसी की वीडियो शेयर कर रही हूँ। होप गाइस आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, आज मैं आपके साथ जशन की वीडियो शेयर कर रही हूँ। ट्विन ब्रेड्स मैंने बनाई हैं और मैंने ब्रेड्स को फोल्ड भी किया है। बहुत सुंदर एक क्यूट सा हेयर स्टाइल है। जशन के बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, जिस वजह से ना उसके ब्रेड्स बड़ी अच्छी बनती हैं। काफ़ी लंबी लंबी उसकी ब्रेड्स बनती हैं। स्कूल टाइम में हम इस तरह का हेयर स्टाइल करते थे, तो ट्विन ब्रेड्स बनाकर मैंने उन्हें फोल्ड किया है। जशन के बाल बिल्कुल जेड ब्लैक कलर के बाल है और मैंने उसके बालों में काफ़ी हैवी हेयर ऑयलिंग की है, क्योंकि ना उसके बालों में कम ऑयल तो लगता ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुझे उसके बालों में ऑयल लगाना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने सेंटर पार्टीशन किया, बालों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया और अच्छी तरह से कॉम्बिंग की है। टैंगल्स मैंने सारे अच्छी तरह से पहले ही रिमूव कर ली हैं, क्योंकि टैंगल्स रिमूव करने में मुझे आधा घंटा लग जाता है। आफ्टर हेयर वॉश जब मैं उसके ऑयलिंग करती हूँ तो टैंगल्स रिमूव करने में आधा घंटा लग जाता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले उसके बालों में ऑयलिंग की है, अच्छी तरह से सारे टैंगल्स को रिमूव किया है, ताकि उसकी जो ब्रेड्स है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बने। और ऑयली हेयर में तो ब्रेड्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। जशन के बाल काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, जिस वजह से ब्रेड्स की लुक को और भी ज़्यादा अच्छी आती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लॉन्ग ब्रेड्स उसकी बनी हैं। आज मैंने ब्रेड को ओपन नहीं छोड़ना है, मैंने इसे फोल्ड करना है, पूरी ब्रेड कवर करके इसे मैंने फोल्ड कर देना है। बहुत सुंदर क्यूट सा ये हेयर स्टाइल है। इससे क्या है ना कि आपके बाल बिल्कुल कवर रहते हैं। अगर आप ऑयलिंग करने के बाद इस तरह से ब्रेड्स बना कर रखेंगे ना, तो आपके बाल काफ़ी जल्दी लंबे होंगे। और आपके अगर आप अपने बालों की अच्छी केयर करना चाहते हैं तो आपको ना अपने बालों को इसी तरह से फोल्ड करके रखना चाहिए। अगर आप इस तरह से ब्रेड्स बनाकर रखेंगे तो आपके बाल बहुत जल्दी लंबे होंगे, हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपकी कम होगी। और आपको ब्रेड्स ऑयली हेयर में बनानी है, ड्राई हेयर में बिल्कुल भी आपको ब्रेड्स नहीं बनानी है, क्योंकि ड्राई हेयर में हमारे बाल बहुत जल्दी टूटने लग जाते हैं, कमज़ोर होते हैं। इसीलिए जब हमें ब्रेड्स बनानी है तो हमें ऑयली हेयर में ही बनानी है। तो आप देख सकते हैं कि उसकी ब्रेड्स कितनी ज़्यादा सुंदर बनी है, कितनी नीट एंड क्लीन उसकी ब्रेड्स बनी हैं। तो गाइस, हेयर वॉश करने के लिए मैंने यहाँ पर आयूर शैम्पू का यूज़ किया। आयूर शैम्पू से मैंने जशन को हेयर वॉश करवाया। आयूर शैम्पू के रेगुलर यूज़ से उसके बाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हो गए हैं, बालों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। पिछले 2 साल से मैं आयूर शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से उसके बाल इतने ज़्यादा सुंदर हो गए हैं। आप भी उसे जशन को कम से कम 1.5 साल से देख रहे हैं, तो आप सब देख रहे हैं कि उसके बाल बहुत जल्दी, उसके बालों की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। बाल उसके इतने ज़्यादा सुंदर हैं, इतने हैवी उसके हेयर हैं। तो अगर आप कोई अच्छा शैम्पू ट्राई करना चाहते हैं तो आप आयूर शैम्पू ट्राई कर सकते हैं, और मस्टर्ड ऑयल से ऑयलिंग कीजिए। मस्टर्ड ऑयल या फिर आमला ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, ये तीनों ऑयल आप यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अपने बालों की अच्छी केयर करें, ऑयलिंग करके रखें, ब्रेड बनाकर रखें, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये चीज़ों से ही आपके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी बनेंगे। तो देखिए, जशन की ब्रेड्स मैंने बना दी हैं और इस तरह से मैंने इसकी ब्रेड्स को फोल्ड किया है। 2 या 3 फोल्ड ही मैंने किए हैं और फिर सिंपल से मैंने रबड़ बैंड उसके डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना क्यूट हेयर स्टाइल हुआ है, उसकी ब्रेड्स कितनी ज़्यादा सुंदर बनी हैं, कितनी डार्क ब्लैक कलर की उसकी ब्रेड्स हैं, और ऑयली हेयर में ब्रेड्स और भी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। होप गाइज आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए गाइज, अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।